देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आलोचना की। इसी बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज प्रियंका गांधी एक जनसभा को संबोधित करती नजर आई और काफी लंबा चौड़ा भाषण भी देती नजर आई। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जनता से बात की और अपनी दादी इंदिरा गांधी को लेकर भी वो काफी बातें कहती यहाँ पर नजर आई और साथ ही साथ भावुक होती भी नजर आई। लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि बीच सभा में अचानक से कमलनाथ आते हैं और प्रियंका गांधी को भाषण देने से मना कर देते हैं। जैसे ही वो भाषण देने से यहाँ प्रियंका गांधी को मना करते हैं तो विपक्षी पार्टियों के बयान आने शुरू हो जाते हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यहाँ पर अब पार्टियों में आंतरिक कलह शुरू हो गई है। जब भी कोई चुनाव होता है तो कांग्रेस में आंतरिक कलह सबसे पहले होने लगती है। हालांकि यहाँ पर कमलनाथ ने प्रियंका गांधी को कुछ और वो यहाँ कहते नजर आए थे, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने बीच मंच पर आकर प्रियंका गांधी को रोका और भाषण देने से मना किया, इस पर यहाँ बयान निकल कर सामने आने लगे हैं। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है, ये वीडियो आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर, एक वीडियो चलाई जा रही है जिसमें अचानक से कमलनाथ मंच पर आते हैं, प्रियंका गांधी जनता से बात कर रही होती है, यहाँ सड़कों को लेकर और तमाम जमीनी मुद्दों को लेकर जनता से बातचीत कर रही होती है, तभी अचानक से आते हैं कमलनाथ और बीच मंच पर प्रियंका गांधी को भाषण देने से और उनका माइक बंद कर लेते हैं। तो आपको क्या कहना है इस वीडियो पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या वाकई में कमलनाथ और प्रियंका गांधी के बीच में यहाँ तिकड़मबाजी शुरू होने लग गई है? क्या वाकई में मान लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह शुरू हो चुकी है? फिलहाल की इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।